रिएक्शंस विद बेसिस में हम एल्डोल कंडेंसेशन कर चुके हैं उसमें हमने देखा था कि जो भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स चाहे वो एल्डिहाइड्स हों या कीटोनस हों तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो किसी बेस की प्रेजेंस में किसी एल्कली की प्रेजेंस में उनकी क्रॉस सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है वो दोनों जो एल्डिहाइड और कीटोनस हैं वो सेम कंपाउंड uh, के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था और उसकी एल्डोल uh, कंडेंसेशन के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन हमने की थी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वो रिमूव uh, होकर कार्बन आयन बन जाता है और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड uh, के ऊपर एल्डोल कंडेंसेशन की इनिशिएशन कर देता है अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब कोई एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं होती पर अगर सिमिलर कंडीशंस में हम कोई एल्डिहाइड uh, यूज करें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं करेगा शो रादर वो कैनिजेरोज रिएक्शन शो करता है तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम स्टडी करते हैं कैनी जेरोज़ रिएक्शन कैनी जेरोज रिएक्शन ये रिएक्शन विद बेसिस में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है तो इसके बारे में आप लिख सकते हो एल डी हाइड्स नॉट हैविंग एन अल्फाहाइड्रोजन मतलब जिन एलडी हाइड्स में कोई अल्फाहाइड्रोजन नहीं है अंडरगो डिसोनेशन अंडरगो डिसनेशन वेन हीटेड विद एन अलकली हीटेड विद एन अब ये अलकलीपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होती है ये वो रिएक्शन होती है जब एक ही सबस्टांस की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो जब एक ही जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि Cl2 को अगर वाटर में हम डिजोल्व करें क्लोरीन को तो इससे बन जाता है HCl और HOCl। अगर हम ठंडे पानी में क्लोरीन गैस को डिजोल्व करें तो HCl और HOCl बन जाता है अगर गर्म पानी में करें तो तब HClO3 बनता है तो अब इसमें आप देखो इस कंपाउंड में एच और एल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, है तो इसलिए इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन हुई और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ मतलब इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई तो क्लोरीन की ही इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है और साथ में रिडक्शन भी हुई है जब एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हों एक साथ तो उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इस कैनिजेरोज रिएक्शन में आप देखते हो कि जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनमें डिसोपोर्शियोनेशन रिएक्शन हो जाती है जब उनको हम हीट करते हैं विद अल्कली जैसे हाइड है अगर हम इसको कंसिडर करें तो बचे फॉर्मेलिटी में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन वो उस कार्बन को हम कहते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है ये एल ग्रुप ये किसी कार्बन के साथ ही अटैच नहीं है क्योंकि कार्बन ही एक है तो इसलिए इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगी तो जब हम इसको अलकली के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी यानी कि एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन हुई तो यहां पर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड और जैसे ही फॉर्मिक एसिड बना ये दूसरे एन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फटाफट फॉर्म कर देगा सोडियम सॉल्ट तो एक हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट और दूसरे फॉर्मेल मॉलिक्यूल की रिडक्शन होकर हमें मिलेगी या अल्कोहल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी एल्डिहाइड में जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अगर हम उसको हीट करें विद एन अल्कली थोड़ा कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कली होता है अबाउट 50 परसेंट तो जो एल्डिहाइड है उसकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है यानी कि एक मॉलिक्यूल की हो जाएगी ऑक्सीडेशन और दूसरे की हो जाएगी रिडक्शन तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनीजेरोज रिएक्शन। तो इसके लिए कंडीशन है आप लिख सकते हो नेसेसरी कंडीशन फॉर कैनिजेरोज रिएक्शन The necessary condition for Kenny Zeros reaction is that the aldehyde should not have any alpha hydrogen. The aldehyde should not have any alpha hydrogen. आप कोई और कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो होता है बेनजेल्डीहाइड जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो एक हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर दे हम विद एल्डिहाइड ग्रुप तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेनजेल्डीहाइड तो जब हम बेनजेल्डीहाइड को हीट करें विद अल्कली तो अब आप देख सकते हो कि बेनजेल्डीहाइड कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डीड ग्रुप वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसको मैंने रेड क्रॉस से शो किया है तो अब इसके साथ कोई और हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इसलिए बेनजेल्डीहाइड मॉलिक्यूल के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी हो जाएगी फिर डिस यानी कि एक बेनजीहाइड मॉलिक्यूल की हो जाएगी ऑक्सीडेशन इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो तो बनता है बेंजोइक एसिड। और वो बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल इमीजिएटली अल्कली के साथ रिएक्शन करके उसका सोडियम सॉल्ट बना देगा यानी कि वी विल गेट सोडियम बेंजोएट। और दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी और उससे कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल बनेगी अब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप हो लगा CH2 के साथ कार्बन के साथ तो इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं ये कंपाउंड हमने पहले भी किया था कि जो मैंने रेड सर्कल में ये शो किया है ग्रुप ऑफ एटम्स इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप बेंजाइल ग्रुप और इसके साथ कार्बन के साथ ग्रुप OH लगा है तो ये अल्कोहल होती है इसलिए इसको कहा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक ही बनजेल्डिहाइड कंपाउंड हमने लिया उसमें से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई और दूसरे की रिडक्शन हुई मतलब यहां पर बेनजेल्डीहाइड की डिस रिएक्शन हो गई है तो इसको हम कहेंगे कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन तो अल्फा हाइड्रोजन का ना होना ही इस रिएक्शन की के लिए जरूरी कंडीशन है अगर किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगी तब ये कैनिजेरोज रिएक्शन शो नहीं होगी अदरवाइज वो कंपाउंड वो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा तो इनके अलावा और कौन सा कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटेल में से जो सी एच थ्री ग्रुप होता है उसके कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये भी अल्फा कार्बन यहां पर है मैं उसको रेड पेन से शो कर देता हूँ अल्फा कार्बन है ये तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो इस कारण इस कंपाउंड को भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं जो कैनीजरोस रिएक्शन शो करेगा तो अब इसकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमने करनी है कि हम इस कंपाउंड में अलकली डाल के हीट करें अगर इसको तो तब एक कंपाउंड की हो जाएगी ऑक्सीडेशन अब इसी चीज को जो रेड कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं लाइक like दिस तो इसके बाद आगे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन होने के बाद और जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना अलकली जो प्रेजेंट है वो उसी टाइम उसके साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना देगा और प्लस दूसरे इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की रिडक्शन होकर इसकी कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल बन जाएगी तो अल्कोहल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये वाली अल्कोहल बनेगी अब अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताऊं तो ये अल्कोहल है कुछ इस तरह से जिसमें आप देखोगे कि ओ एच ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ तो सिर्फ एक कार्बन और अटैच्ड है तो इसलिए ये एक प्राइमरी एल्कोहल होगी हालांकि देखने में ये टर्शरी या क्वार्टरनरी भी लग, लगती है पर असल में ये एक प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के जिस कार्बन के साथ लगा है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन और अटैच है तो इस तरह की डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं reactions. और इसके लिए कंडीशन तो हम कर चुके हैं कि क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड में जो एल्डोल कंडेंसेशन हमने की थी वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से करते हैं कि अल्कली डालकर हीट करते हैं पर उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए तो तभी कोई कंपाउंड जो है वो कैनिजेरोज रिएक्शन शो करता है अदरवाइज सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कंपाउंड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा अब अगर जो हमने कैनिजेरोज रिएक्शन अभी की है इसमें अगर हम दो डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड्स यूज कर लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस रिएक्शन को हम फिर कैनी क्रॉस कैनी जेरोज रिएक्शन बोलेंगे क्रॉस कैनी रिएक्शन तो कोई भी क्रॉस कैनी जेरोज रिएक्शन अगर हम करें तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है आपके कि जो छोटा हमारे पास एल्डिहाइड होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी जबकि बड़े की रिडक्शन होगी अब ये वाला कौन सा कंपाउंड है अगर बेनजीन रिंग के ऊपर ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो तो उसको एनीसोल बोला जाता है अब एनीसोल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो इसलिए इसको कहा जाएगा एनीसेलडीहाइड और फॉर्मेलहाइड में अगर हम अलकली डाल के इनको हीट करें तो तब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी यानी कि एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी अब ऑक्सीडेशन किसकी होनी है जिसका साइज है छोटा तो वो है फॉर्मेलिडी तो इसका मतलब जो एनिसेलडी है इसकी हो जाएगी रिडक्शन तो इससे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसकी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर शो कर रहा हूं तो उससे ये हमें अनसेड अल्कोहल मिलेगी और साथ में जो छोटा एल्डिहाइड है छोटे साइज का उसकी ऑक्सीडेशन होने से हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा जो अलकली के साथ रिएक्शन करके उसी टाइम सोडियम सॉल्ट बना लेगा तो अब यहां पर आपने देखा कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो हैं वो कैनिजेरो टाइप ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं तो ऐसी रिएक्शंस में जो भी स्मॉलर या सिंपलर एल्डिहाइड होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है उसको शो करता है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सॉरी कैनिजेरोस रिएक्शन या क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन को लिखने का एक और सिंपल तरीका भी है यहां पर तो मैंने अभी तक जो एल डी हाइड यूज किए हैं उसके साथ अल्कली भी लिखा है तो इसलिए उसका सोडियम सॉल्ट बनाया मैंने क्योंकि एन बीच में ऐड किया था अगर हम शो ना करें कि कौन सा अल्कली हम यूज कर रहे हैं यानी कि वी कैन राइट ओ एच नेगेटिव आयन ओवर तो इसको अगर हम हीट करें तो तब एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे बनना है फॉर्मिक एसिड तो जो भी अलकली के साथ केटाइन है मेटल आयन है वो मेटल आयन इसके साथ एसिड के साथ जाके सॉल्ट बनाएगा तो अब क्योंकि हमने यहां पर मेटल आयन शो नहीं किया तो जो एसिड बनेगा वहां पर भी हम मेटल आयन शो नहीं करेंगे जो फॉर्मिक एसिड है उसको हम फॉर्मेट आयन की शेप में लिखेंगे और दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी तो उससे बन गई। इसी तरीके से अगर की रिएक्शन शो करनी हो, तो उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें ओ OH एच नेगेटिव डाल के अगर हीट कर दिया जाए तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसके साथ अलकली का मेटल आयन आके सॉल्ट बनाएगा अब वो ही मैंने यहाँ पर शो नहीं किया तो इसलिए प्रोडक्ट में भी वो शो नहीं किया जाएगा तो इसके साथ बेंजाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्म होगी तो इस तरीके से हम जो क्रॉस कैनीजेरो रिएक्शन या कैनी रिएक्शन है वो शो कर सकते हैं दोनों तरीकों से चाहें तो अलकली पूरा पूरा लिखकर उसी मेटल से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे या हम अलकली को ओ एच नेगेटिव आयन लिख कर शो कर लेंगे और फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है उसका सिर्फ एनायन लिखेंगे हम कौन सी मेटल के साथ बना है उसका सॉल्ट वो नहीं शो करेंगे इसके बाद हम करते हैं कैनी जेरोज जे रिएक्शन की ही अलग टाइप एक और दैट इज इंट्रामोलिकुलर कैनी जेरोज रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर आपको पता होगा विद इन द सेम मोलिकुल हो कोई चीज तो उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनी जेरोज रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरोज़ रिएक्शन में जो एक ही कंपाउंड है उसी में ऑक्सीडेशन होगी एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी होगी तो इसका मतलब है कि कम से कम दो कार्बोनिल ग्रुप तो उस कंपाउंड में होने चाहिए तो तभी जो हम ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरोज रिएक्शन है वो शो कर सकते हैं जैसे ये वाला कंपाउंड जो है आप पढ़ चुके हो पहले कि ये कौन सा कंपाउंड है जब हम ग्लाइकोल की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो उसकी ऑक्सीडेशन में हमने ये बनाया था कंपाउंड ग्लाइऑक्सेल तो ग्लाइऑक्सेल है ये उसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया है जस्ट स्ट्रेट लाइन में तो इसलिए ग्लाइऑक्सेल में हम देख सकते हैं कि दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड तो ये हमारे पास इंट्रा इंट्रामोलिक जे रिएक्शन शो करेगा इसमें दो या दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं उनमें एक एल्डिहाइड की हो जाएगी ऑक्सीडेशन तो दूसरे की होगी रिडक्शन तो जब किसी कंपाउंड का एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा पार्ट रिड्यूस हो जाए तो तब हम उस कंपाउंड को उस रिएक्शन को कहेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिजे रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें विद इन मॉलिक्यूल हुई है अब यहां पर बना है सोडियम सॉल्ट अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए हो तो सोडियम को रिप्लेस करना हो विद हाइड्रोजन तो ये भी तरीका आपने बहुत अच्छी तरह बहुत बार किया है कि मेटल आयन को रिमूव करने के लिए उसको कोई हेलोजन दिखा दो यानी कि अगर हम इसमें डाइल्यूट एच डालें तो एन तो इमीजिएटली लूज हो जाएगा और हमें अल्टीमेटली एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा प्योर फॉर्म में प्लस एनए अब ये कौन सा एसिड बना है <coughs> अगर इसकी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी ग्लाइक्ल की स्ट्रक्चर बनाई थी वैसे शो करूं मैं तो पहले है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके बाद सी एच टू ओ एच ये तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ग्लाइल की हमने डिस्पोर्शियोनेशन uh, रिएक्शन या कैनी रिएक्शन है वो अगर हम uh, करें तो तब हमें ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट के तौर पे uh, मिलेगा जब उसमें हम जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना उसको डेल्यूट मिनरल एसिड के साथ ट्रीट भी करें या डेल्यूट हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करें तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर कैनिजरोज रिएक्शन जब एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो जैसे यहाँ पर फर्स्ट एल्डिहाइड जो ग्रुप है इसकी रिडक्शन हुई है अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और जो सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन होकर वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है तो अब ये रिएक्शन तो हमने सभी की हैं एल्डिहाइड्स की या कीटोन की इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज़ अब अगर अल्कली ना हो अल्कली यूज ना किया जाए तो हम बिल्कुल सिमिलर तरीके की रिएक्शन भी कर लें तो हम वो वाली रिएक्शन अब स्टडी करेंगे सी पार्ट में आप लिख सकते हो टिस्चेंको रिएक्शन अब इस रिएक्शन में हमने अभी तक देखा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सिर्फ वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है रिएक्शन में हम देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो होगी पर अब वो वाले एल्डिहाइड शो करेंगे जिनमें हाइड्रोजन है या नहीं भी है हाइड्रोजन की अब कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई नेसेसिटी नहीं रहती अल्फा हाइड्रोजन हो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी और अल्फा हाइड्रोजन अगर ना हो तब भी ये टिस्चेंकोज रिएक्शन जो है वो हो जाएगी तो इसके बारे में आप दो लाइनें लिख सकते हो दल डी हाइड्स दी हाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन Undergo disproportionation reaction, undergo disproportionation reaction in the presence of aluminium ethoxide, in the presence of aluminium ethoxide. तो यहां पर हम देखेंगे कि ये एसिड मॉलिक्यूल है इसमें एक अल्फा कार्बन है और उसके साथ तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं यानी कि इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है पर इसमें हम अलकली नहीं डालेंगे अगर अलकली डालेंगे तब तो एल्डोल कंडेंसेशन ही शो होगी अब अल्कली नहीं बल्कि उसकी बजाय एलुमीनियम इथॉक्साइड ऐड करेंगे हम ये इथोक्सी ग्रुप है यहाँ अगर इसके ओ के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो तो इसको हम इथोक्साइड आयन बोला करते हैं तो एल्यूमियम इथोक्साइड ए एल के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस कारण ये थ्री इन आयन एक एल्युमिनियम आयन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे एल्यूमिनियम इथोक्साइड अब एक जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड अब कोई सॉल्ट नहीं बनना है क्योंकि हमने कोई अल्कली यूज नहीं किया है अगर तो अल्कली यूज किया होता तो फिर उसने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इमीडिएटली रिएक्शन शो कर देनी थी फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसकी हो जाएगी रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल दैट इज एन अल्कोहल अब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते इमीडिएटली ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके कंडेंसेशन रिएक्शन या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो शो करेंगे यानी कि आफ्टर द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल भी स्टडी किया हुआ है कि कार्बोक्सलिक और अल्कोहल एक दूसरे के साथ इमीजिएटली कंडेशन रिएक्शन शो करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एस्टर होते हैं वेरी स्वीट स्मेलिंग सबस्टांसेस तो जो भी कोई फ्रूट में फ्रूटी स्मेल होती है या अच्छा टेस्ट होता है वो सिर्फ इन्हीं एस्टर्स के कारण ही होता है तो एस्टर्स जैसे जो सिंथेटिक सिरप्स होते हैं सिंथेटिक शरबत होते हैं तो उनमें भी जो टेस्ट है या फ्लेवर है जो वो पूरा क्या पूरा ड्यू टू एस्टर्स होता है बीच में उसी जैसे कोई ऑरेंज का अगर कोई शरबत है तो उसमें ऑरेंज का जो टेस्ट है उसके वाला एस्टर ऐड कर दिया जाएगा तो तभी एस्टर्स को बड़ी फ्रूटी स्मेल वाले कंपाउंड्स के तौर पे हम जानते हैं तो इस तरीके से हमने टिस्चेंको रिएक्शन में स्टडी किया कि किस तरह से जो एलडी हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है पर उसके बावजूद वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो रिएक्शन शो कर देते हैं और फिर इसके बाद आती है परकिंस रिएक्शन तो इन रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो है वो यूज करेंगे तो आप लिख सकते हो इन दीज इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक एल इज हीटेड विद एन एसिड एनहाइड्राइड इज हीटेड विद एन एसिड एनहाइड्राइड मैं साथ साथ में रिएक्शन भी लिखे जाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे यहां पर हम यूज कर रहे हैं कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि जैसे बेनजेलडी हाइड तो ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है उसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से शो किया है इसको हीट करना है विद एन एसिड एन ज हीटेड विद एन एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस और बेस जो है वो हम कोई किसी का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई कारोस्पॉन्डिंग जिसका एनहाइड्राइड है उसी का सोडियम सॉल्ट वगैरह यूज कर लेंगे तो उसका हाइड्रोलाइज सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा व्हेन एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का इस तरीके से लॉस होगा तो जो प्रोडक्ट इनिशियली हमें मिलना है वो होगा कुछ इस तरह से इस कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा विद कार्बन, जिसके साथ आगे एनहाइड्राइड ग्रुप जो है वो अटैच है और फिर इसमें हम अगर वाटर डाल के इसको बॉइल कर देंगे तो एनहाइड्राइड का हाइड्रोलोसिस हो जाएगा वाटर डाल के अगर इसको बॉयल कर दिया जाए तो हमें एक तरफ अगर इधर एच लगेगा तो इधर ओ एच लगेगा तो हमें दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जो हैं, वो मिल जाएंगे तो एक है ये बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड ओ ओ एच इसको कहा जाता है सिनामिक एसिड सिनेमिक एसिड प्लस इसके साथ हमें एसिटिक एसिड भी मिलेगा तो सिनेमिक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेनजेल्डिहाइड को हमने एसिड एनहाइड्राइड के साथ हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट ऑफ दी कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें अल्टीमेटली मिला ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ तो इसको कहेंगे अल्फा कार्बन इसके नेक्स्ट कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन तो अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड है तो इसलिए इस कंपाउंड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिला जब हमने किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन की विद सम एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस एंड दैट बेस विल बी सोडियम ऑफ एसिड जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी का ही सोडियम सॉल्ट वगैरह हमने यूज किया तो इससे हमें ये जो अल्फा बीटा अनसेड एसिड यानी कि सिनेमिक एसिड मिला है अभी इड को जब हम हीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड तो हमें सिनेमिक एसिड जो है वो होता है वो <coughs> होता तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की जिनमें हमने देखा कि पहले सबसे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन की फिर कैनिजे रिएक्शन की बीच में हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस जा रिएक्शन भी की फिर हमने टिस्चेंको रिएक्शन भी की और उसके बाद ये परकिंस रिएक्शन भी की है तो ये सारी रिएक्शन जो हैं एल और किटोन्स की, की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप हर साल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं तो रिएक्शन विद बेसिस हमने की हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जिसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन वो हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की थी तो इसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ मिसेलेनियस रिएक्शंस वो हम अब करेंगे जिसमें आप स्टडी करोगे रिएक्शंस विद अमोनिया अमोनिया के साथ जो डिफरेंट एल डी हाइड या किटोन होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और हरेक केस में अलग अलग, अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, वो बनेंगे तो ये हम देखते हैं फिर आगे मिसलेनियस रिएक्शंस जिसमें हम सबसे पहली रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया तो जैसे मैंने बताया कि अमोनिया के साथ जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं डिफरेंट एल्डिहाइड्स या जीटोन हैं, ये सभी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे एसिटेलडी जो है वो रिएक्ट करके बनाएगा एसिटेलडी मीन किस तरीके से एसिटल्डीहाइड की रिएक्शन होगी ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसमें अमोनिया ऐड करें सॉल्वेंट यूज़ करें ईथर और थोड़ा सा इसको हीट करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां पे जाके अटैच हो जाएगा और फिर इधर से एच पॉजिटिव लूज होकर ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो इसी चीज को मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल या नाइट्रोजन आइटम इस कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे इधर ओ के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो दो हाइड्रो तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं ये अटैच्ड हैं पहले लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन एटम के ऊपर था पर जब यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के शेयर में चला गया अब था वो नाइट्रोजन का तो इस तरीके से नाइट्रोजन का लॉस होगा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज अब नाइट्रोजन यहां पर कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज्यादा तो है ही तो इसलिए ये क्या करेगी यहां से एक हाइड्रोजन को लूज कर देगी एज एच पॉजिटिव आयन और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन तो यहां पे एन थ्री की बजाय बचेगा एन तो जो एच पॉजिटिव यहां से निकला पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव के साथ अटैच होकर ओ एच ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देगा फिर जो ये एन एच टू ग्रुप है अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं अब हीट कर रहे हैं हम पहले भी हीट किया हुआ है रिएक्शन मिक्सचर को तो जब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है यानी कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा किस तरह से लूज होगा ऊपर से जाएगा ओ OH ग्रुप और यहां से एक हाइड्रोजन इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा अब इस केस में आप देख सकते हो कि यहां पर एक बाउंड कार्बन का ब्रेक हुआ है और एक बाउंड नाइट्रोजन का तो इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड और यानी कि डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एन एच ये चीज़ बनी इसको कहा जाएगा एसिटल डी मीन एसिटल डी हाइड से बना है एक इमीन क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऐसे कंपाउंड्स को हम इमीन बोलते हैं तो ये एसीटल्डी हाइड से बना इसलिए इसको एसिटल डी मीन कहा जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि एसिटेलडी जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके मीन बनाएगा। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे तो एसिटेल की रिएक्शन करने के बाद अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ फॉर्मेलडी हाइड यानी कि एच जो सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है सिक्स मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन होंगे विद फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया तो यहां पर छह वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के बाद हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट छे इथिलीन ग्रुप होंगे और चार इसमें नाइट्रोजन है इसको कहा जाता है जो सी एच टू ग्रुप है इसको मिथिलिन ग्रुप के तौर पे जाना जाता हैिथिलीन टेट्रा अमीन अमीन क्यों अमीन इसलिए क्योंकि कार्बन के नाइट्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसलिए इसको टेट्रा अमीन बोला गया है और इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह देते हैं यूरोट्रोपीन यूरोट्रोपिन ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है आ, यूरिनरी एंटीसेप्टिक तो यहाँ पर जो यूरोट्रोपिन या हेक्सा टेट्रामीन बना है इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है कैसे ये छह मिथिलीन ग्रुप्स और एक जो चार नाइट्रोजन एटम्स हैं ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर में यहां पर बना देता हूँ आप देख सकते हो तो स्ट्रक्चर इसकी अगर बनानी हो तो कैसे बनेगी बेंजीन रिंग आपको पता है हेक्सागनल अरेंजमेंट होती है छह कार्बन एटम्स की उसमें तो उसके अगर हम ऑल्टरनेट वे में तीन कार्बन एटम्स को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन होती है ये और कार्बन अकेली नहीं सी एच टू ग्रुप होगा इसी तरह से इधर भी सी एच टू ग्रुप आएगा और इधर भी सी एच टू ग्रुप आएगा और चौथी नाइट्रोजन पड़ी होगी यहाँ पर सेंटर में अब इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी एक सी एच टू ग्रुप होगा मिथिलिन ग्रुप इसी तरह से इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी एक मिथिलिन ग्रुप होगा और इन दो नाइट्रोजन के बीच में भी एक मिथिलिन ग्रुप होगा तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है तो अब आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड में छे मिथिलीन हैं, छह CH2 ग्रुप्स, एक दो और तीन और तीन इस रिंग के अंदर हैं। तो छह सी एच टू ग्रुप्स हो गए और एक दो तीन और चौथा नाइट्रोजन है बिल्कुल सेंटर में चार नाइट्रोजन के एटम्स हो गए तो यही फार्मूला बना सी एच टू सिक्स एन फोर तो हेक्सा मीथिलीन टेट्रामीन यानी कि यूरोट्रोपिन तो इस तरीके से एसीटलडी जो था उसके साथ रिएक्शन करके एसिटेलडीमीन प्रोडक्ट बना था और फॉर्मेल्डी ने अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करके ये यूरोट्रोपिन या हेक्सा टेट्राअमीन नाम का जो प्रोडक्ट है वो बना दिया है तो हाइड के बाद हम अगली रिएक्शन इसमें देखेंगे की कि बेनजेल्डी जो है वो जो अमोनिया है उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा तो बेनजेल्डी को हम लिख लेंगे सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड ओ कार्बन का डबल बॉन्ड ओ होता है विद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है तो ये आएगा यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल बेनजेल्डी का ये दोनों इकट्ठे कंबाइन करेंगे विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जिस तरीके से वॉटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बिल्कुल वैसे ही मैंने हाइड्रोजन एटम्स जो अमोनिया के हैं उनको लिखा है यानि कि यहां से एक हाइड्रोजन एटम सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से जाएगा इस तरीके से अब दो हाइड्रोजन अभी भी बच गए तो जो तीसरा बेनजेल्डीहाइड का मॉलिक्यूल है वो हम लिखेंगे इस तरफ को तो तीसरा वॉटर मॉलिक्यूल यहां से लूज हो जाएगा तो इस तरीके से थोड़ा हीट करके हमें मिलेगा तीन वॉटर मॉलिक्यूल यहां पर लूज होंगे माइनस थ्री वॉटर लिख लिया मैंने और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह से सी एच डबल बॉन्ड एन इसी तरह से नीचे भी सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड एन और इन नाइट्रोजन के बॉन्ड बनेंगे दो विद दिस कार्बन दिस तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हाइड्रोबेंजामाइड इसको कहा जाता है तो अगर बेन्जेल्डीहाइड के साथ अमोनिया रिएक्शन करे तो तब हमें हाइड्रोबेंजामाइड मिलता है जैसे एसिडलडीहाइड से मिला एसिडल्डीमीन और फिर फॉर्मेलडी से यूरोट्रोपीन तो बेनजेल्डीहाइड से हमें ऑप्टेन हुआ हाइड्रोबेंजामाइड। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं एसीटोन किस तरीके से रिएक्शन करेगी तो एसीटोन की रिएक्शन जो है विद अमोनिया वो हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से एसीटोन मॉलिक्यूल या प्रोपेनोन जो सबसे छोटा या सिंपलेस्ट कीटोन है ये अमोनिया के साथ कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा एक अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मैंने अलग करके लिख लिया एन एच थ्री में से एक हाइड्रोजन सेपरेट करके इस साइड को लिख लिया फिर साथ में इधर एक कीटोन या एसीटोन मॉलिक्यूल है एसीटोन में आपको पता है एल्डिहाइड्स या कीटोन में जो ए अल्फा हाइड्रोजन होती है ये बहुत इजीली रिप्लेसेबल होती है या काफी लेबाइल हाइड्रोजन होती है तो यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा अमोनिया से भी एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये इधर ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको फॉर्म करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड डाई एसिडोन अमीन क्योंकि दो इसमें एसिटोन मॉलिक्यूल्स हैं और एक अमीन ग्रुप होगा तो इसलिए इसको कहा जाएगा डाई एसीटोन अमीन एक NH2 ग्रुप है और दूसरा जो एसीटोन ग्रुप है एज सच हम लिख लेंगे लाइक like दिस तो इसमें साथ में प्लस वाटर तो होना ही है इस कंपाउंड को कहा जाएगा डाई एसीटोन अमीन तो इस तरीके से आप देख सकते हो समझते हो, हो गए आप कि अमोनिया के साथ जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जैसे एसिडलडी था फॉर्मेलडी या बेनजेल्डी या एसीटोन उन चारों केसेस में हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऑब्टेन हुए तो रिएक्शन विद अमोनिया जो है वो बड़ी स्पेशल रिएक्शन है इस सेंस में क्योंकि इसमें एक कार्बोनिल कम्पाउंड केस में जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं तो मिसलिनियस रिएक्शन में इसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया के बाद सेकेंड रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन सेकेंड है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स प्राइमरी अमीन्स होते हैं जब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक जो कार्बन एटम हो वो अटैच हो तो इस तरह से ये लिखा बेनजीहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो इसमें हमने ऐड किया एक एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन फाइव इन एसिडिक मीडियम तो जो वॉटर मॉलिक्यूल एजोमीथिन नाम के कंपाउंड बनते हैं इनकी कैटेगरी कैटेगरी के कंपाउंड को हम एजोमीथिन बोला करते हैं तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा विद नाइट्रोजन जिसके साथ दूसरी बेंजीन रिंग जो है वो ऑलरेडी अटैच है तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास बना बेंजल एनिलीन इसको हम एजो कहा करते हैं इट इज एन एजोमिथिन और जिनको शिफ्स बेस भी कहा जाता है रिएजेंट्स कुछ अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और शिफ्स बेस है ये इसमें आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन तो इसीलिए ही इसको हम शिफ्स बेस कहेंगे तो ये रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स हुई फिर इसके बाद थर्ड रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद पीसीएल फाइव तो पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तो हम बड़ी पुरानी करते आ रहे हैं जब हमने देखा था सीखा था कि जो पीसीएल फाइव होता है वो दो क्लोरीन देकर एक ऑक्सीजन जो है वो फटाफट कैप्चर कर लेता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये रिएक्शन हमें करनी है तो यहां पर आप देख सकते हो ये एसिड लिया रिएक्शन लिखने से पहले आप एक लाइन लिख सकते हो और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन

कि जब दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो उसको हम जेम कंपाउंड बोलते हैं यह जो सी एच थ्री ग्रुप है इसको बेटर वे में ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि कार्बन का बॉन्ड है विद कार्बन जिस एटम का बॉन्ड हो सिर्फ उसी को उसी तरीके से शो करना चाहिए तो यहां पर एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे और साथ में पीओ सी एल थ्री बनेगा तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक ही कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन एटम्स अटैच हैं, तो तभी इसको हम एक जेम डाइक्लोराइड बोलेंगे तो इट इज जेम डाइक्लोराइड तो फिर ऐसे ही अगर यहां पर एसीटोन ली जाए तो एसीटोन भी बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन करेगी उसका भी जो ऑक्सीजन है वो दो क्लोरीन एटम्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो हमें फिर से एक जेम डाई क्लोराइड जो है वो ऑबटेन होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी LD हैं या सी हैं फाइव के साथ रिएक्शन करके वो जो जेम बनाते हैं ये फाइव को हमने यूज किया था हेलो के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में जब आपने देखा था कि अल्कोहल में अगर पी सी एल फाइव एड करें तो वहां पर भी फॉस पी सी एल फाइव जो है वो एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके दो क्लोरीन एटम्स दे देता है तो तब वहां पर हमें हेलो हुए थे अल्कोहल्स के केस में हेलो एल्केन प्लस एक मॉलिक्यूल एच का बनता था तो फिर इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है ये मिसलानियस रिएक्शंस की कैटेगरी में दैट इज हेलोजीनेशन तो आप लिख सकते हो जो भी एल हैं है या कीटोन हैं जो एलिफेटिक एल्डीहाइड या कीटोन हैं उनमें अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन बड़ी इजीली यहाँ से रिप्लेस हो सकती है हमने हेलोफार्म रिएक्शन जैसे क्लोरोफॉर्म बनाई थी या एडोफार्म बनाई थी तब भी यहाँ से कार्बन जो सी एच थ्री ग्रुप वाला कार्बन है इसके साथ जो तीन हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं वो तीनों रिप्लेस करके हम हेलोजन एटम लगाते थे फिर उससे आगे क्लोरोफॉर्म या एडोफॉर्म बनाते थे तो अब भी हेलोजिनेशन में भी जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी को ही रिप्लेस किया जाएगा तो आप लिख सकते हो कि एलिफैटिक एल्डिहाइड्स और हैविंग Alpha hydrogen atoms undergo substitution reaction at the alpha carbon when treated with halogens. When treated with halogens. इन एसिडिक और बेसिक मीडिया अगर इसमें मैं क्लोरीन ऐड करूं इन एसिडिक और बेसिक मीडिया बेसिक मीडिया में तो आपको पता ही है कि अल्फा हाइड्रोजन कितनी इजीली यहां से रिप्लेस हो सकता है यही रिएक्शन आपने की थी बेस की प्रेजेंस में वो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरोज रिएक्शन की हैं तो यहां पर एक क्लोरिन अटैच हो जाएगी इस तरीके से हमारे पास एक अल्फा हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा या अल्फा हेलोजन सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड बनेगा अगर हम कीटोन यूज कर लें जैसे ये एसीटोन है इसमें अगर क्लोरीन ऐड की जाए इन एसिडिक और बेसिक मीडियम तो अब भी एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा अगर क्लोरीन को हम थोड़ा एक्सेस में यूज करेंगे तो तब पॉलीहेशन भी हो जाती है और बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलेगी रिएक्शन जिसको आप कहोगे ब्रोमीनेशन कि अगर मैं क्लोरीन की जगह पे यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दू बीआर तो वो भी रिएक्ट करेगी इन एसिडिक और बेसिक मीडियम तो उस केस में भी जो अल्फा कार्बन है वहां पर एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगी जैसे एल रिएक्ट करेगा बिल्कुल वैसे ही कीटोन भी रिएक्ट करेगा और एक अल्फा ब्रोमो कीटोन जो है वो यील्ड करेगा तो यहां पर प्लस एच बनेगा अगर क्लोरीनेशन करें तब एच जो है वो बना करता था तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल में या कीटोन में कोई अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन बड़ी इजीली रिप्लेस हो जाता है विद दी एटम तो इसके साथ हमारी जो मिसलेनियस रिएक्शन है वो खत्म होती है तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो लास्ट रिएक्शन बचती है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक होंगी यानी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेनजीन रिंग तो बेनजीन रिंग में से हम कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके कुछ और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हम लगाएंगे तो वो रिएक्शंस हम अभी देखेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे तो पहले करते हैं हम सबसे पहले हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन करते टाइम ये बात का ध्यान रखना होगा कि जो हेलोजें होती हैं ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होती हैं क्योंकि हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंड अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है तो इसलिए जो हेलोजेंस हैं ये बड़ी इजीली दूसरे किसी एटम की जो ऑक्सीडेशन है वो कर देती हैं तो पर्टिकुलरली अगर हम क्लोरीनेशन करें तब तो आप दो लाइनें लिख भी सकते हो कि ऑल हेलोजें आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो विच कैन ऑक्सीडाइज दल्डी हाइड टू बेंजोइक एसिड stop therefore in case of halogenation of benzaldehyde in case of halogenation of benzaldehyde we will get a mixture of oh sorry we will get a meta substituted benzoic acid Meta substituted benzoic acid. Full stop. However, ketones can be oxidized to uh, ketones can be substituted to meta. ब्रोमोब्यूटे मेटा ब्रोमो किटोन्स ऑन रिएक्शन विद इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री एक हेलोजन कैरियर यहां पर ऐड करना पड़ेगा जो ब्रोमोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफाइल को और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर मेटा पोजिशन पर जाके सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और इस तरीके से हमें जो कीटोन है वो मिलेगा फिर इसके बाद ब्रोमिनेशन के बाद या हेलोजिनेशन के बाद सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रेशन नाइट्रेशन में आपको पता है कि किस तरीके से की जाती है ये हमने रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन में भी की थी फिर उसके बाद हमने फिनोल्स में भी की थी और अब एल डी हाइड में भी कर रहे हैं कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना हो तो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एक ंग एसिड होने के कारण एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा जो एच एन ओ थ्री की प्रोटोनेशन करके इसमें से नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा जो मेटा पोजिशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण मेटा पोजिशन पर जाके अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास मेटा नाइट्रोबेनजेल्डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा मेटा नाइट्रो बेनजेल्डीहाइड तो इसी तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं ऑफ एसिटोफिनोन ये एसिडोफिनोन हमने यूज की इसमें भी अगर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहां पर भी NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो रिंग की मेटा पोजिशन पर जाके अटैच हो जाएगा तो इसको COCH3 ग्रुप भी हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मिलेगी हमें तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एलिफ सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं उनकी अगर हम नाइट्रेशन करें तो मेटा पोजीशन पर जाके जो नाइट्रोनियम ग्रुप है ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा तो फिर लास्ट रिएक्शन है रिंग में इस सल्फोनेशन रिएक्शन सल्फोनेशन तो इस केस में हमने जो बेंजीन रिंग है उसकी सब्सटीट्यूशन करके सल्फोनिक ग्रुप जो है वो अटैच करवाना होता है एट मेटा पोजिशन क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ही होता है तो इसमें हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया करते हैं या हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेते हैं तो इस केस में जो मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है एसओ थ्री एच ग्रुप तो वो मेटा पोजिशन पर जाके अटैच हो जाता है चाहे एल्डिहाइड यूज करें चाहे कीटोन यूज करें हम एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हुआ करते हैं तो इस तरीके से हमें पोजीशन पर जो सल्फोनिक ग्रुप है वो अटैच हुआ मिलेगा तो इस तरीके से हमने जो एल और कीटोन हैं उनकी बहुत टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्टडी की तो इन रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस मैंने विद मैकेनिज्म और लॉजिक के साथ समझाई हैं तो वो रिएक्शंस भी और उनके लॉजिक्स भी मैकेनिज्म भी वो भी आपको पूरा पूरा याद रखने की जरूरत होती है क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी जो कम्पिटिशन में थोड़ा घुमा फिरा भी पूछा जा सकता है